कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईमुल्ला है, साउथ वज़ीरिस्तान वाना से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। फाटा कुछ इसके बारे में, जो 2018 में वैकेंसी फेक डॉक्यूमेंटेशन पर भर्ती की थी, तो आज मैं पेशावर कयूम स्टेडियम आया था, डीजी के साथ मेरा मुलाकात हो गई थी उसके बारे में कि सर जी ये फेक डॉक्यूमेंटेशन पर भर्ती की, आप लोगों को सब पता है, पहले भी मैं मीडिया पर गया था, तो आप लोगों को वो है ना, मैंने वो है ना एविडेंस लेके आया था, प्रूफ वगैरह जो आप मांग रहे थे। जब मीटिंग के बाद मैं बाहर आ गया, नमाज पढ़ रहा था बस जमात, तो मुखालिफ बंद जो थे ना, अब्दुर्रहीम था, पीर मोहम्मद था, शफीक नाम था, दो अपॉइंटमेंट हुए थे, एक फाइनेंस पे, एक फाटा फुटबॉल कोच पे अब्दुर्रहीम। बाहर जब आए थे मुझे कह रहा था कि आपके साथ काम है, बात करना है। मैंने कहा जी कर लेना बात, तो वो मुखालिफ वो ऑलरेडी वो है ना लड़ने के लिए, मतलब वो सोच लड़ाई के लिए वो है ना जहन में थे कि नईम को इस तरह टार्चर करें। मेरे जहन में ये नहीं था कि वो आ गए थे वहाँ पे, मुझे साइड पे किया। मैंने कहा जी हुक्म कर लेना। वो मुझे कह रहा था कि ये सीट छोड़ना है आपने, का नहीं छोड़ना है, इस तरह ग्रेवान पे मुझे पकड़ के ये जो है ना, ये नज़र आ रहा है ना, और ये नज़र आ रहा है, और ये नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ पे भी मुझे टार्चर किया, यहाँ पे भी मुझे टार्चर किया, मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ है मेरे पास। वहाँ पे तीन चार बंदे थे, उसने मेरे साथ वो है ना ऊपर वार शुरू किया, और वो है ना लतों के साथ, मुक्कों के साथ, तो फिर सारे लोग थे वहाँ पे डीजी स्पोर्ट्स के सामने दफ्तर का, यूम स्टेडियम में सारे लोग थे, ऑफिसर थे, उसने वो है ना छुड़वाने की कोशिश की थी, तो मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, और मैं फिर वो है ना पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस ने फिर मुझे लारिच हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट करवाया। फिर उसके बाद थाने में ये गुलबर्ग में मैंने ये रिपोर्ट दर्ज किया कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई अपने केस के बारे में, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मेरा राइट बनता है, मैंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, आप वहाँ पे वो है ना जाके मेरे साथ वो है ना मुकाबला कर लेना। तो उसने कहा नहीं, मैंने हमने आप ज़बरदस्ती आपके साथ वहाँ यहाँ पे वो है ना आपके साथ लड़ना है, तो फिर वो लड़े मेरे साथ, मुझे टार्चर किया, ये FIR की वो है ना उस नाम चाहे FIR भी मैंने दर्ज किया है गुलबर्ग में। तो मैं लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह लोग अगर आप अपॉइंट करेंगे इलीगल बंदे, तो न्यू यूथ के लिए ये क्या वो है ना सिखाएगा, क्योंकि वो ये तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बदनामी है, डीजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की, सब लोगों ने देख लिया, और वो ना मेरे पास वीडियो है, एविडेंस है, सब कुछ है, क्योंकि मैं खुदा रहा डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी को, KPK गवर्नर उसको, मैं वज़ीर आला को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पैरेट पे ले लेना। मैं ये नहीं चाहता हूँ हमारे डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के सामने पड़े हुए, तो उसका भी वो है ना फेक डॉक्यूमेंटेशन आपके टेबल पे मैंने रख दिया है ना, तो फिर बस मैं इंसाफ चाहता हूँ। और दूसरी जो मेरे साथ ज्यादती की थी इन लोगों ने, मुखालिफ लोगों ने, मैं इसका भरपूर मजम्मत करता हूँ, ठीक है। तो डीजी साहब